हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने देखा होगा कि आज मार्केट अच्छी खासी तरीके से फ्लैट रही है। निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप भाग गया, तो हमारे स्टॉक्स भी अच्छे तरीके से यहाँ पर मूव करते हुए दिखाई दिए। कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर से बताए थे और वो अच्छे खासे यहाँ पर मूव करते हुए दिखाई दिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते, जानते हैं उन स्टॉक्स के रिलेटेड। मैंने आपको काफी टाइम पहले से वो स्टॉक्स सजेस्ट भी कर रहा था, किसने लिया था किसने नहीं लिया था आई डोंट नो, बट यहाँ पर अगर बात करें आज के दिन 10% भागता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कल उसके रिजल्ट आए थे और काफी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर रहे थे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपने चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरी वीडियो को जाकर देखिए। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और यहाँ पर सीखना है। सीख के अगर आप काम करेंगे ना, तो मार्केट में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप स्टॉक सर्च करेंगे, सर्च करके उसके फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, टेक्निकल देखेंगे और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म जैसे भी प्ले करना चाहे फिर चीजों को उस तरीके से प्ले कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर आगे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बातें और यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको पोर्टफोलियो वगैरह सब क्रिएट हम करा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, उसका नाम है SMC ग्लोबल। देखा जाए तो देखिए 7.33% पे बंद हुआ है, बट ये शेयर यहाँ पर 10% तक आज जाता हुआ दिखाई था और उसके बाद लगभग 2.5% की यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखी गई है। बट अगर हम देखें तो अब इसका एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है और एक कंसोलिडेशन के बाद अब ये शेयर मुझे जो हमारे टारगेट थे पहले वो टारगेट को मीट करता हुआ दिखाई देगा। तो आइए वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि आज 10% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। तो कल थे इसके नंबर, तो नंबर कैसे रहे वो हम पढ़ेंगे, बट हम पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, देखिए SMC के आपने आप जाते होंगे बैनर देखे होंगे, आपने SMC के बहुत आपने यहाँ पर ऑफिसेज देखे होंगे। SMC करता क्या है, SMC एक ब्रोकरेज फर्म है। SMC इज वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इंडिया एंड अब्रॉड। और अगर बात करें यहाँ पर ऑफरिंग वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सिंस 1990, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये आपको काफी तरीके की सर्विस, ब्रोकिंग सर्विसेज, इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिटिकल से रिलेटेड, यहाँ पर मॉर्गेज एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर की सलाह, एडवाइजरी एज वेल एज ब्रोकिंग, ये सब कुछ करती हुई दिखाई देती है। इनकी एक बार वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको और आइडिया दिखाई देगा। एक इसे ओपन होने देते हैं, इससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट कैप की बात करें यहाँ पर ये जो कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी है, 1,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, 887 करोड़। पीई की बात करें 7 के पीई पे है, बहुत कम पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई 16 और 13 का है। इसके अलावा डेट की बात करें 36% का डेट है और यहाँ पर प्लेजिंग की बात करें कंपनी के 2.98% के शेयर यहाँ पर प्लेज भी हुए पड़े हैं और शेयर 110 का हाई लगा के जब आपको यहाँ पर हमने पकड़ के दिया था उसके बाद भागा था शेयर, फिर उसके बाद गिर के यहाँ पर कितने रुपए, लगभग 70 रुपए पर यहाँ शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया काफी टाइम से। और जैसे कि मैं बताते हूँ कि 3 महीने का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि कंपनी किस तरफ यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी। तो हमेशा जब भी मैं चीजें यहाँ पर खरीदता हूँ तो 3 महीने का कम से कम स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से व्यू लेता हूँ। 3 महीने में कोई चीज नहीं चलती तो 6 मंथ हो जाता है, 6 मंथ नहीं चलती 9 मंथ हो जाता है। तो थोड़ा इससे क्या होता है, इससे हमारी पेशेंस रखने की भी क्षमता बढ़ती है एज वेल एज अगर हमने अच्छे स्टॉक्स खरीदे हैं तो वो मूव कर देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं लेते हैं बट मूव करते हैं और अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए SMC की ये वेबसाइट है, ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड ये जितनी भी आपको पता ही है ये सब चीजें जो करेंसी कमोडिटी है सब कुछ करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड, IPO से रिलेटेड, इंश्योरेंस बैंकिंग से रिलेटेड, यहाँ पर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया आता हुआ दिखाई देगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कितनी बेहतरीन है या कितनी बेहतरीन नहीं है, वो सब चीज आपको पता चल जाएगी। तो 18 लाख प्लस इनके देखिए यूनिक क्लाइंट्स है और बात करें वर्क फोर्स ऑफ अराउंड लगभग 4,000 इनके एम्प्लॉयज भी है। प्रेजेंस की बात करें 500 प्लस सिटीज में यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके अलावा लार्ज नेटवर्क की बात करें 2,500 प्लस यहाँ पर सब ब्रोकर एंड अथॉरिटी पर्सन है। क्लियरिंग सेटलमेंट एडवाइज सेटलमेंट सर्विसेज 290 प्लस ट्रेडिंग मेंबर्स हैं इनके। तो कंपनी
हर पैरामीटर पे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देती है, किसी भी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। कंपनी यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर नाम हमने बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, एसएमसी एसएमसी, तो ये सब कुछ हम बेहतरीन नजर आती है। कंपनी देखिए अभी यहाँ पर डीमर्ज होके यहाँ पर ये अलग से लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद देखिए यहाँ से ये शेयर भागता हुए दिखाई दिया था हमने, यहाँ पर 80 के आसपास पकड़ा था, उसके बाद शेयर यहाँ पर 100 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखी गई और आज के दिन में यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न, नेगेटिव कॉन्स कुछ भी नहीं है, केवल प्रॉज ही प्रॉज यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, और जो बनता भी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इस बार के जो रिजल्ट थे 265 करोड़, ओके, ये हाईएस्ट एवर था। एक तो सेल्स थी, इसके अलावा जो इसके प्रॉफिट था यहाँ पर 40 करोड़। देखिए किसी भी क्वार्टर में यहाँ पर 40 करोड़ नहीं आया, ये हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट था। ओके, यहाँ पर अगर बात करें कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है, इंश्योरेंस सेक्टर से यहाँ पैसा कमाती है, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनकी पूरी बैलेंस यहाँ पर देखेंगे, इसके इनके रिजल्ट को सेगमेंट वाइज, तो आपको पता चलेगी कंपनी कहाँ से पैसा ये अर्न करती हुई दिखाई देती है। तो इनका जितने भी सेक्टर थे, इंश्योरेंस था उससे पैसा यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस बेहतरीन था, यहाँ पर ब्रोकरिंग फर्म से यहाँ पर पैसा कंपनी, और खुद की ट्रेडिंग भी करते हैं ये लोग। ओके, आईपीओ ये कंपनी है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो खुद की ट्रेडिंग करते हैं, उससे यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिखाई देते हैं। तो छोटी सी कंपनी जो कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, यहाँ पर देखिए कितना 185, 212, 236, 360, 31, 265, तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। एक्सपेंसेस की बात करें, कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर कम करते हुए दिखाई दिए, प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हो गया है। सेल्स की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पर देखिए, और जैसे जैसे डीमैट की बात करूं तो देखिए लगभग 7.5 करोड़ यहाँ पर डीमैट ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओवरऑल एनएचडीएल सीडीएसएल पे, तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी काफी बेहतरीन है। यहाँ पर जब ऐड होंगे तो यहाँ पर एसएमसी के पास भी जाएंगे, अलग अलग ब्रोकिंग फर्म के पास भी जाएंगे, तो हाँ यहाँ पर अपना पैसा ना जितने भी ब्रोकिंग फर्म है जो आपको बेहतरीन नजर आती है वहां पर आप ऐड करते जाइए। हमने देखिए कुछ टाइम पहले आपको एक शेयर बताया था यहाँ पर, कौन सा था अगर मैं आपको बताऊँ, शेयर इंडिया, उससे रिलेटेड 550 रुपये पे ये शेयर खरीदवाया था। 550 से देखिए क्या रैली है, लगभग यहाँ पर आपका पैसा डबल होने की कगार पे है। ओके, हमने तो बीच में यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, बट आपका अगर आपने होल्ड किया होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बात करें एसएमसी ग्लोबल की, तो एसएमसी ग्लोबल इसी तरीके का शेयर मुझे नजर आता है, जो कि यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में शायद यहाँ पर 500 रुपये का, ये मेरा तो नजरिया लंबा है इसमें, क्योंकि ये शेयर जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर अकाउंट ऐड हो रहे हैं और जिस तरीके से ये कंपनी काम करती है और बुल मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने ही है। मैं तो इवन दूसरे जो ब्रोकिंग फर्म है, जो दूसरे स्टॉक्स है, उन्हें भी बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो चीज अब अगले क्वार्टर में और तेज भागेगी। हाईएस्ट एवर यहाँ पर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है और यहाँ पर देखिए जो 754 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग थी वो यहाँ पर कम होकर 310 की बोरिंग रह गई है। यहाँ पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कैश की बात करें, कंपनी का 1274 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी आ रहा है। इसके अलावा जो भी पैसा आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है, इस पर नेगेटिव था। और यहाँ पर देखिए आरओसी, यहाँ पर आरओसी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 16% पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 62.33% की यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईज की होल्डिंग कुछ नहीं है, डीआईज की नहीं है, बट जिस दिन एफआईज डीआईज यहाँ पर इनकी उनकी निगाहें पड़ी, ओके, अब वो आते हुए दिखाई दिया, तो ये शेयर फिर यहाँ पर इसके पंख लग जाएंगे और ये शेयर भागते हुए दिखाई देगा। 37% की पब्लिक दिखा रहा है, पर पब्लिक में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 10-15% की होल्डिंग तो यहाँ पर नजर आती है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की, तो यहाँ पर 15% भी घटा देते हैं तो लगभग 22% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, उसमें बड़े बड़े लोग ही यहाँ पर शामिल होंगे, इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखें यहाँ पर बिल्कुल लोअर लेवल पर आके एक बढ़िया सा सपोर्ट बना के ये आपका सपोर्ट बन गया है, इस चीज को याद रखिएगा। 72 रुपए का एक जो सपोर्ट है, एक बेहतरीन सपोर्ट है, इससे नीचे जाना नहीं है। और यहाँ पर अपसाइड की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पर ये है जो इसका प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई इसका कितना था, तो प्रीवियस हाई ये था। ओके, यहाँ पर 24% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा हाई आएगा वो यहाँ पर आएगा 110 रुपए, ओके, जो कि लगभग 25-26% के 26-27% के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न में, तो वो यहाँ पर है ये, यहाँ पर देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बेहतरीन कप विद हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कप बन रहा है, कप बनने के बाद एक जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये यहाँ पर हैंडल बना के आएगा, और यहाँ पर हैंडल बना के जो ये फिर ये जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो ये टारगेट आएंगे
ये टारगेट फिर अच्छे टारगेट आएंगे, छोटे मोटे टारगेट नहीं आएंगे, ये टारगेट आएंगे लगभग आपके पैसे यहाँ से डबल। बार बार यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, 72 पे भी बताया था, जब मैं यहाँ पर 90 पे खरीद रहा था तब भी मैंने बताया था। ओके, और यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, अगर हमारी चीजें नीचे जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत चीजें चूज करी है, ये है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, कभी रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो चीजें भागने लग जाती है, तो हमें उस चीज को वेट करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 70% के टारगेट हमारे नजर आते हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और जिस तरीके से आज की वॉल्यूम आया ना, 1.326 मतलब 13 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में जिस तरीके का ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बनता हुआ नजर आया, ये कैंडल बनती हुई नजर आई है बड़ी वाली, तो मतलब चीजें यहाँ पर अब ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ऊपर जाने का मतलब है अच्छे खासे तरीके से आपका ये शेयर भागते हुए दिखाई, क्योंकि ये अगर हम बात करें ये पूरा एक तरीके से समझ लीजिए 6 महीने का एक कंसोलिडेशन था जो ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद चीजें यहाँ पर भागनी शुरू करेंगी और थोड़ी सी और बुल रन भी रही और कंपनी ने एक आध दो बार और अच्छे रिटर्न दे दिए तो कंपनी फिर अपर सर्किट में जाती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको 200, 300, 400 रुपए के इसी ऐसी ही कंपनी यहाँ पर भागती हुई दिखाई देती है। रिजल्ट बस पेश कर दे, रिजल्ट पहली बार पेश कर दी है, दूसरी बार दोबारा आई थिंक यहाँ पर प्रेजेंट पेश करेगी, वो हमें और आइडिया लग जाएगा। दूसरे जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसी के बेस पे हमने यहाँ पर दूसरे शेयर यहाँ पर दूसरी कंपनीज को भी चुना था और उसमें भी हमें अच्छा रिटर्न मिला, अब दोबारा यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए, यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही है उसी के बेस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पर हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो और मिलती रहे, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।